लोकल और ग्लोबल दोनों। एकदम देसी स्टाइल फूड बट विथ गोरा ट्विस्ट। ओनली ऑन Aplus। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम टू द शो। और आप सबको मेरी और Aplus की जानिब से बहुत बहुत रमजान की मुबारकबाद। मुझे लगता है कि रमजान एक ऐसा फेस्टिवल है, आई कॉल इट रिलीजियस फेस्टिवल, जिसमें लोग बहुत इस पर बड़ी गहमा गहमी होती है, जगह हो रहा होता है, इबादतें हो रही होती हैं, तरावी इवन तरावी के बाद लोग बैठे इबादतें कर रहे होते हैं, शाम में दिन में। तो आपको हर तरफ एक तो इबादतें हर जगह मिल रही होती हैं, ख़वातीन के साथ बड़ा मुश्किल होती है, उनकी इबादत भी करनी होती है और साथ में वो एक, क्योंकि इफ्तार हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसको तैयारियाँ बहुत होती हैं। ये जो महीना है गर्म महीना है, इसके अंदर गर्मी में और प्लस लाइट के मसले हैं, बहुत से इलाकों में गैस के मसले हैं, तो वो बड़ी मुश्किल हो जाती है इफ्तारी तैयार करना। तो हर एक की ख्वाहिश ये होती है कि आसान इफ्तारी बना दें। अच्छा, आसान मुझे समझ नहीं आता आसान क्या होता है, क्योंकि जब किचन में जाते हैं तो फिर आपके आधा एक घंटा लग ही जाता है। लेकिन आज ट्राई कि कुछ सिंपल सी चीज़ें बना दी जाएँ। लोगों का ये भी बहुत होता है कि ऐसी चीज़ें हों जो कि बहुत ज़्यादा हमें भारी ना पड़े। मेरा मानना भी यही है कि इफ्तार ऐसा हो जो कि ईजिली बन जाए और उसके बाद खाना खाया जाए, या फिर इतना हो कि फिर खाना ना खाया जाए। तो इधर भी खैर हर घर का अपना एक रिवाज होता है। अच्छा, मुझे लगता है कि एक चीज़ जो कि बहुत हम कम यूज़ करते हैं, जो कि बड़ी न्यूट्रिशन वैल्यूज की बड़ी अच्छी है, वो है चने। एक तो हम ज़्यादातर सफ़ेद चने यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आई रेकमेंड कि काले चने भी बड़ी बड़े अंडर रेटेड हैं, इसको बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं कहूँगा अगर आपको काले चने पसंद हैं या काहली में नहीं बनाते तो बना ज़रूर लें। अच्छा, अमूमन लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है काले चने गलते देर से, अनलाइक एनी चना, ये भी वैसे ही गलते हैं जैसे आम चने। करना ये कि बड़ा सिंपल सा तरीका मुझे किसी ने बताया था कि हम गलती क्या करते हैं चनों के साथ, कि हम चनों को बहुत देर भिगो के रखते हैं रात भर। अमूमन सुना कि रात भर भिगो दो, ऐसा नहीं है। अगर लस्से के आधा किलो चने, हर घर में आधा किलो से ज़्यादा क्या बनेंगे, आधा किलो के हिसाब से लस्से के एक चाय का चम्मच आपने खाने का सोडा डाल दिया और भिगो दे इसको तीन घंटे ज़्यादा ना करें। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं 3 घंटे से ज़्यादा ये फिर सख्त होना शुरू हो जाते हैं, फिर उबालने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको। 3 घंटे इसको भिगोएं, उसके बाद पानी फेंकें और के पानी धो लें ताकि उस, मुझे बड़ा मसला है कि जो महक आती है सोडे की, अलग से महक होती है, बहुत सारा डलता है। साफ पानी लेकर फिर उसको उबाल लें आप, आराम से ये आधे पौन घंटे में उबल जाएंगे और उसको फिर आप इस्तेमाल कर लें। अच्छा, खड़े खड़े रखे हैं मैंने यहाँ पे, मुझे बहुत ज़्यादा हलवा पसंद भी नहीं है, तो ये हम आज इस्तेमाल करेंगे। कंधारी चने हम बना रहे हैं, मैं जल्दी से कुछ बता दूँ कर क्या रहे हैं। कंधारी चनों के लिए टमाटर प्याज उसमें जाएगा और साथ साथ में हम इसके अंदर मसाले, जैसे कि आप हल्दी, लाल मिर्चें और गर्म मसाला, धनिया जीरा, ये सब जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो इसमें डिफरेंट होगी वो है इसकी चटनी। अच्छा, चटनी बेशक आप बना के आज आप रख लें और बाद में कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है खजूर की चटनी। अच्छा, तो खजूर इमली की चटनी बनाते हैं, आप अपने हिसाब से चीज़ों को आगे पीछे कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा यहाँ पे थोड़ा सा पानी, 2 कप के करीब पानी ले लेते हैं और इस पर उबाल लाएंगे। मीन वाल मेरे पास यहाँ पे कोई 1 पाव के करीब खजूर, अगर टाइम है पानी में भिगो दें ताकि और नरम हो जाए। तो इसके लिए कोई बहुत अच्छी महंगी खजूर ना लें, आम खजूर ले लें। इससे हम बनाएंगे तो बड़ी बाजार मीठी सी है। आप अगेन जैसे मैंने कहा कि इसको इमली के साथ भी बना सकते हैं। बेसिकली रेसिपी तो ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बाकी अपने हाथ में आप चीज़ें इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैं इसमें डाल के इनको भी मैं साथ में ज़रा एक भाप नरम कर लूँगा। अच्छा, पानी अगर लगे ज़्यादा है थोड़ा सा पानी बाद में कम कर लेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक तरह उबाल आ जाए और फिर इसमें चीनी भी डलेगी। चीनी चूँकि ये खजूर है ठीक ठाक मीठी है, तो इसमें आपको इतनी चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि मुझे लगता है कि इसमें तकरीबन मेरी ये 1.5 कप के करीब चीनी खा जाएगी। अच्छा, आप अपने हिसाब से घर में चेक कर लीजिएगा कि आपको, अच्छा रमजान में तो रोज़े के बाद ही चेक होंगे, ऐसी चीज़ें वैसे रोज़े के बाद बना लिया करें तो बेहतर है, उसमें ये आसानी रहेगी कि आपकी चीज़ें, लेकिन मेक श्योर कर लें कि उसमें कोई गुठली ना जाए वरना वो हैंड ब्लेंडर के ब्लेड ख़राब हो जाएंगे। सही जी, तो यहाँ पर जल्दी से ये काम करते हैं क्योंकि आज एक रेसिपी बनानी है। तो इंशाल्लाह हर दिन आपको कुछ छोटी छोटी रेसिपीज मिलती रहेंगी। आज ट्राई कि उसको बहुत सिंपल सहल तरीके से उसको बताता जाऊं।
ताकि आप इजीली उसको आसानी घर पे बना सकें, और ऐसी चीज़ें जो आपको मॉइस्चर आए घर के किचन से, कोई बाहर से ख़ास चीज़ लानी ना पड़े। मेरा फोकस यही होता है। वो लोग बड़ी शिकायत करते हैं मर्द हज़रात कि आप इतनी महंगी रेसिपीज़ बता देते हैं जनाब, रमज़ान में हमारा बजट वैसे ही हाई होता है और आपकी रेसिपीज़ बड़ी महंगी होती है। मैं कहता नहीं, मेरी आज ट्राई कि मैं बहुत कम फॉरन इन्ग्रीडियंट यूज़ करूँ, अनलेस के कहीं बहुत ज़्यादा फरमाइश आए उस वक्त कर लेते। अच्छा, मैंने इसलिए पानी लिया कि गाढ़ा होके ना, इसको हम कौन सा इसको थिक भी करेंगे, और आप चाहे नहीं थिक करना ना करें, लेकिन थिक करने से होगा कि थोड़ी सी बचत हो जाएगी। तीन चम्मच यूज़ कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा तेज उबाल लेके आ रहा हूँ। ओके जी, इसमें उबाल ऑलमोस्ट आ गया है, तो एक काम करते हैं, जब ये आपको लगे कि उबाल आ जाए, इन दिस केस उबाल ऑलमोस्ट आ गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको, मैं आप चाहे इसको जग में, अगर घर में नहीं है तो परेशान ना होइएगा, आप किसी भी इसको निकाल लें, जो ब्लेंडर आता है जग आता है उसमें इसको आप पीस लें। अगर पानी कम होता तो इसका गाढ़ापन बहुत गाढ़ा हो जाता है, इसलिए मैंने पानी थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है, 2 कप के करीब पानी। मैं कह रहा था कि अगर यहाँ पे आप, क्योंकि अगर गुठली होती नजर नहीं आती तो वो आपके ब्रेड को तोड़ देती, बस ये एहतियात करना है आपने। जबरदस्त, ये मेरा काम हो गया। अब मैं चूल्हा भी हल्का कर दूं यहाँ पे। अच्छा जी, काम कीजिएगा, ये देखें बस क्लास आपका, ये उबाल आ गया। अच्छा, आप चाहें तो ये जो इसका इस पे थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए आप ये निकाल के इसका जो फोम है इसको अलग कर लेंगे, ताकि ये बड़ा क्लियर आपकी सॉस बने। थोड़ा सा इसको साफ कर लें, और उसके बाद आप गाय बगाए आपको कहीं दौर दरमियान कर सकते हैं। चीनी मैं अपने दस में अपने अंदाजे से कोई 1.25 कप के करीब चीनी डाल रहा हूँ, आप 1 कप भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, मज़ा खोलने के लिए नमक तो उसमें लाजमी है, क्योंकि नमक नहीं जाएगा तो मज़ा नहीं खुलेगा। तो मैं बिल्कुल 1/4 चाय का चम्मच नमक इसमें डाल देते हैं, और जीरा पाउडर। अच्छा, और जनाब इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया आपने। लाल पिसी मिर्चें बहुत थोड़ी सी, ये भी 1/4 चाय का चम्मच। अगेन मिर्चें चाहिए नहीं है आपको, सिर्फ हल्का सा इसको किक देनी है, तो 1/4 चाय का चम्मच। आई नो बात होंगे 1/4 चाय के चम्मच से किक बिल्कुल नहीं मिलेगी, बट डाल दीजिएगा। और बहुत, क्योंकि हम कहते हैं इसको कि वी ईट विद आवर आइज, हम आँखों से खाते हैं, शक्ल में अच्छा लगेगा तो जब हम ये चीज़ हम पसंद करेंगे वरना शायद हम इसको रिजेक्ट कर दें। तो इसका कलर बड़ा ब्राउनिश होता है, तो हल्का सा इसमें फूड ग्रेड वो जो कि खाने के लिए इस्तेमाल होता है रंग, वो डाल दें, और ये भी ऑप्शनल है। तो मैं थोड़ा सा लाल रंग इसमें डाल देता हूँ, सही जी, और फिर देख लेंगे कि कितनी ज़रूरत है हमें, चुटकी भर फूड कलर। अच्छा जी, जब ये यकजान हो जाए, वेरी नाइस, सही जी। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर, अब मैं इसको वापस उबाल पे लेके आता हूँ, लेकिन मीन वाइल कॉर्नफ्लावर इसको गाढ़ा करने के लिए थोड़ा सा हम कॉर्नफ्लावर यूज करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को घोल लेते हैं 2-3 टेबल स्पून पानी के अंदर, और घोल के ठंडे पानी में घोलिएगा, पूरा एक साथ ना डालिएगा, जहाँ आपको लगे कि आपके मतलब की थिकनेस आ गई है वहाँ रुक जाएगा। और एक और बात जहन में रखिएगा कि ये जब ठंडा होने के बाद तो ये और गाढ़ा हो जाए होगा, वजह क्या है, इसमें चीनी भी और कॉर्नफ्लावर भी, तो बस इसको इतना रखें कि एक अच्छी कंसिस्टेंसी आपको मिल जाए। थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा सा रोक लेता हूँ, और एक साथ ना डालिएगा। अच्छा, ये जब तक नहीं पता चलेगा जब तक ये उबाल नहीं आया, तो वेट कीजिएगा उबालने का, कि हल्का सा इसमें उबाल आ जाए, जैसे यहाँ मेरे केस में आया चाहता है उबाल। दिस इज गुड, देखें
मुझे बिल्कुल जेली नहीं बनाना कि बहुत ज्यादा जाम हो जाए, ये इतना कि रनी हो। आय हाय, लुक्स गुड। अब ये देखिए कितनी सारी चटनी बन गई, ना सिर्फ ये आप अपने घर में बल्कि इसको पड़ोसी को भी दे सकते हैं। खैर जनाब, इसको मैं ये देखने से मैं आपको दिखाना चाहूँ कितनी गाड़ी आई है। देखें आपको चम्मच से शायद भेजे नजर आए मेरे, ऐसा चूल्हा बंद कर देता हूँ, ठंडा होगी और गाड़ी होगी। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद इसको तो मैं रखूंगा जार में और फिर इस्तेमाल करेंगे अपनी जो हम कंधारी चना चाट बना रहे हैं उसमें से यूज करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ओके जी, वेलकम बैक ऑन द शो। और यहाँ पे हम अब अपनी मेन रेसिपी जो कि है कंधारी चना चाट, उसके लिए आ जाते हैं। कुछ भी नहीं करना, कोई छोटे साइज के मेरे पास प्याज है तो यहाँ पे मैं दो प्याज लेके इनको, अच्छा बहुत बारीक चॉप नहीं, मुझे आई लाइक इट खासकर चाट के अंदर इतना बड़ा दाना हो कि वो जो चने का दाना है उसके बराबर आपको एटलीस्ट मिले, कि खो ना जाए प्याज, प्याज का क्रंच आना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे प्याज को बस जल्दी से रफ काट के, अच्छा ये बड़े आसान से एक दफा आपने चटनी बना ली है और ये बड़ी, अच्छा मैंने चम्मच डाल दिया ताकि चटनी में से धुआं निकलता रहे, थोड़ी देर में उसको यूज भी करेंगे और उसका रंग बहुत लालम लाल भी नहीं हुआ लेकिन नाइसली अच्छी अच्छा कलर आया। अच्छा यहाँ पे काम करते हैं जरा जल्दी से, अच्छा ऑयल 2 टेबलस्पून मैक्सिमम, क्योंकि नॉन स्टिक है तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इतना के बस ही आपकी सब्जी वब्जी जो हल्की सी इसमें कुक हो जाए। तो ये दो प्याज है ये इसमें हम शामिल कर लेते हैं। और साथ ही साथ इसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, ये डाल के हल्का सा ककड़ा लेते हैं। और मीनवाइल रफ टमाटर, अच्छा जी इस पर डालेंगे 1/2 चाय का चम्मच हल्दी। मिर्चें मैं अगेन बहुत नहीं रखूंगा, 1 चाय का चम्मच शुड बी मोर देन इनफ, लेकिन भर के 1 चाय का चम्मच। अब आपके हाथ में इसको ऊपर नीचे करना चाहें आप ले सकते हैं, नमक जरूर डाल दीजिएगा। अच्छा उबालते वक्त तो मैंने नमक इतना नहीं डाला, बल्कि डाला ही नहीं चावल उसमें चनों में, तो यहाँ पे मैं कोई 1/4 चाय का चम्मच नमक, एक ऐसी चीज है हमेशा इसमें आप ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर ये इसमें पड़ेगा 1 चाय का चम्मच और 1 ही चाय का चम्मच जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये जरा मैं 1/2 चाय का चम्मच ले रहा हूँ गरम मसाला, सही जी। और साथ ही साथ अनारदाना, अच्छा अनारदाना कोई 2 चाय के चम्मच ले लेते हैं, बेशक इसी स्टेज पे डाल दें ताकि हल्का सा ये इसको मैं, अच्छा मैं पानी हल्का सा लूंगा इसके अंदर ताकि मेरा मसाला 2-3 टेबलस्पून पानी, मसाला हमारा मजा सा कुक हो जाए। अच्छा सब्जियां देखिए मैंने प्याज जो है खड़ी खड़ी रखी है, मैंने बहुत ज्यादा प्याज को नहीं पकाया। मकसद यहाँ पे कुक करने का ये था कि जरा मसाले का कच्चापन है वो खत्म हो जाए, वरना मसाला कच्चा रह जाएगा वो महकेगा आखिर तक। अच्छा इसकी अच्छी बात ये है कि इसको आप गर्म भी सर्व कर सकते हैं और ठंडा, मुझे पर्सनली मेरी प्रेफरेंस ठंडा मीन्स रूम टेम्परेचर पे, तो इसको आपने बना लिया इवन बाहर छोड़ दें इफ्तार पे आपने निकाल के रख लिया रेडी टू ईट। टमाटर जरा मैं ज़्यादा डाल रहा हूँ, कुछ 3 टमाटर आए नो, टमाटर महंगे हुए इस वक्त तो हर चीज़ को आग लगी हुई है, टमाटर कम डाल दीजिएगा लेकिन टमाटर से मज़ा देगा। और टमाटर को भी हमने रफ चॉप किया है, मैंने चाहा कि बिल्कुल हलवा हो जाए, तो 3 टमाटर मैंने ले लिए
जैसे ही आपको लगे कि मसाला ये देखें खुश्क हो गया, तो मैंने बहुत ऑयल नहीं यूज़ किया। अमूमन लोगों को होता है कि इसमें ऑयल ज़्यादा डालें क्योंकि चने बड़े ड्राई होते हैं, बट मैं एक्चुअली इसमें टमाटर डाल रहा हूँ, प्याज है, चटनी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें हम चटनी डालेंगे, वो उसको मॉइस्ट रखेगी, वो गीला रखेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने पर इतना ऑयल मत डालिएगा, आई मीन यू नो। अच्छा यहाँ पर बस आपने ये किया थोड़ा सा, और ये एक पाव काले चने उबले हुए, तो इनको आपने अच्छी तरह से, और अगर लगे कि गर्माहट नहीं है इनमें थोड़ा सा पानी और शामिल कर लें, 2-3 टेबल स्पून ज़रा ये अच्छा सा एक दफ़ा हर चीज़ मिक्स हो जाए। अच्छा जी ये देखें इसमें हल्का हल्का सा पानी है, छोड़ दीजिएगा, बहुत ज़्यादा पानी पूरा ना खुश कीजिएगा वरना ड्राई हो जाएंगे। अब इसको किसी भी सर्विंग डिश में निकालने से पहले काम करें, दो तरीके हैं, या फिर इसको ऐसे ही रख दें और उसके ऊपर से चटनी डाल दें, मीट चटनी इस मास्टर्स के लिए, इस रेसिपी के लिए। तो हम एक काम करते हैं कि इसको निकाल के नीचे से निकालें ताकि ये देखें इसका सॉस ज़रूर आए, यही इसके अंदर मज़ा है। अच्छा ये बहुत चटपटा नहीं है, हरी मिर्चें नहीं है और लाल मिर्चें भी ना होने के बराबर है, बस मज़ा खोल रहा है। हाँ इस पर सिर्फ आप चाहें तो हल्का सा गरम मसाला ऊपर से और डाल सकते हैं, पर ये कर सकते हैं आप, लेकिन आई डोंट रिकमेंड कि इसमें ज़्यादा मसाले वाला रखें, क्योंकि हर वक्त ना फिर ये दूसरे चने उसमें चने में क्या फर्क रह जाएगा। तो ये चाहिए सर ज़बरदस्त, अच्छा ये आ गया। और ये जो हमने चटनी बनाई थी ये इसको आप डाल देनी, ठीक ठाक डाल दें, इवन यहाँ चाहते हैं आप तो यहाँ पे भी इसको डाल के मिक्स कर सकते थे, तो मैंने अब ये आप पे छोड़ दिया इसलिए कि आपकी पसंद है, हर एक अपना होता भाई, किसी को पसंद है नहीं है। एक काम करते हैं ये अलग से भी आप लोगों को दे सकते हैं, तो भाई जिसने डालनी ना नहीं हो अपने हिसाब से डाल लें। बट ये था आज का शो, उम्मीद है पसंद आएगा, ट्राई दिस तो बड़ी मज़ेदार रेसिपी है, एंड आई वुड से कि इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चटनी को अलग से बना के आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी जगह पे डाल के एज अ डिप यूज़ कर लें, और चने वन ऑफ माय फेवरेट। तो आपसे इजाज़त लेंगे इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होती है किसी ज़बरदस्त और क्विक रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।